इस क्रॉक्स ने गाइस बर्फ देखी है, इस क्रॉक्स ने गाइस पत्थर देखे हैं, इस क्रॉक्स ने बहुत सारी नदियाँ देखी है, बहुत सारे झरने देखे हैं, बहुत सारे कांटे देखे हैं और बहुत क्या क्या पता नहीं गाइस क्या क्या देखा है। और इस क्रॉक्स को इस दिवाली को यानी कि आने वाले 3-4 दिनों में एग्जैक्टली हो जाएंगे 1 साल। और देखिए ये कैसे घिस चुकी है और यहाँ पे कोई भी ग्रिप का नामो निशान नहीं बचा है। मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। अगर आपको भी क्रॉक्स लेने हैं और आप प्लान कर रहे हो कि कोई भी क्रॉक्स लेने वाले हो तो आप यार गाइस ले सकते हो क्रॉक्स, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्रॉक्स हैं, ये ओरिजिनल क्रॉक्स है मेरे हिसाब से। इसको लेके 1 साल हो गए, मैंने इसको लिया था शायद से 1900 रुपये में, 1900 रुपीज़ में। अभी इसका पूरा ही ग्रिप चले गया है मेन साइड से। उसका मेन रीज़न ये है गाइस कि मैं इस जो सैंडल या क्रॉक्स जो भी इसे कहेंगे आप, उसे मैंने 8 महीने तक बहुत इंटेंसिव यूज़ किया है। इसे मैंने मनाली में यूज़ किया है और मैं पिछले 8 महीने मनाली में था, तभी मैंने इस क्रॉक्स को मनाली में यूज़ किया है। ये शायद से जो क्रॉक्स है इनकी जो बिल्ड है वो बनी है रास्तों पे चलने के लिए और मैं इसे पहाड़ों पे चलने के लिए यूज़ कर रहा था। पिछले 8 महीने मैंने और कोई भी शूज़ यूज़ नहीं किए थे क्रॉक्स के अलावा, सिर्फ क्रॉक्स लेके ही मैं मनाली के टूर के लिए गया था गाइस। और आप देख सकते हैं कि 8 महीने में ये घिस चुका है, मतलब अभी 1 साल हो गया है उसे। इस क्रॉक्स ने गाइस बर्फ़ देखी है, इस क्रॉक्स ने गाइस पत्थर देखे हैं, इस क्रॉक्स ने बहुत सारी नदियाँ देखी है, बहुत सारे झरने देखे हैं, बहुत सारे कांटे देखे हैं और बहुत क्या क्या पता नहीं गाइस क्या क्या देखा है। तो गाइस ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको 8 महीने मनाली में यूज़ किया है इस क्रॉक्स को, इसीलिए ये शायद इतने घिस गए। अगर शायद मैं इसे मुंबई में या फिर किसी भी रास्तों में यूज़ करता तो शायद ये इतने घिसते नहीं थे गाइस। और अभी भी ये 1 साल बाद भी मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं गाइस, बिकॉज इनकी जो ग्रिप है देख सकते हैं आप, पहनने के बाद ये काफ़ी कंफर्टेबल है। पूरा दिन पहनने के लिए भी ये क्रॉक्स काफ़ी कंफर्टेबल है गाइस, और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप ओरिजिनल क्रॉक्स लोगे गाइस तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसे पहनने में। और मैं आपको सिर्फ एक टिप देना चाहता हूँ गाइस कि इसे सिर्फ रोड्स पे यूज़ कीजिए, पहाड़ों पे चलने के लिए ये है नहीं, बट आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। पर जितना आप इसको रफ़ जगह पे यूज़ करोगे उतना वो घिस जाएगी। अभी भी मैं इसे पहनता हूँ गाइस, ये कुछ इतने गंदे नहीं है। सिर्फ अगर कोई स्लिपरी एरिया होगा जहाँ पे पानी है या फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है जैसे कि फिसलन की, तो फिर ये फिसल जाएंगे गाइस। वरना नॉर्मल सरफेस में चलने के लिए जहाँ पे पानी नहीं है, जैसे ये नॉर्मल सरफेस है गाइस, इसके ऊपर इनकी ग्रिप काफ़ी सही है गाइस, अभी भी आप देख सकते हैं। और इस क्रॉक्स की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है गाइस, मतलब ये जो फटा पिटा है ये किसी एक डेजी नाम की डॉग ने इसे काट लिया था और फिर इसे तोड़ दिया था। बट मुझे कभी भी ये टूटने के बाद भी महसूस नहीं हुआ कि क्रॉक्स कभी मेरे पैर से निकल जाएंगे गाइस। ये होना भी एक एडवांटेज है, इससे आपके पैर में पीछे काफ़ी अच्छी सी ग्रिप मिलती है इसको पहनने के बाद। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, इसको पहन लेने के बाद पीछे ये काफ़ी ग्रिप जैसा काम करता है, ये निकलता नहीं है गाइस, तो ये काफ़ी सही है ये जो है वो। अगर ये नहीं भी होगा तो आप इसे ऐसे गाइस आगे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद भी इसे पहन सकते हैं। ये वैसे भी सही लगती है, कूल लगती है गाइस, और कोई प्रॉब्लम मुझे ये देती नहीं है, ये गिरने नहीं वाली है गाइस। तो गाइस मेरे हिसाब से क्रॉक्स आप ले सकते हो गाइस, सिर्फ इसे अपनी प्राइमरी चप्पल या फिर प्राइमरी सैंडल या फिर प्राइमरी क्लॉग्स जो भी इसे बना के यूज़ ना करे। इसके साथ साथ एक कुछ भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि कोई शूज़ या फिर कोई सैंडल या स्लीपर। अगर आप सिर्फ इसे ही 1 साल तक घिसोगे गाइस तो ये पूरा घिस जाएगा, या फिर शायद आप इसे अगर सिर्फ सिटी में यूज़ करोगे तो शायद कम घिसेगा गाइस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्रॉक्स को मैंने पूरा पैसा वसूल कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है अगली बार भी मैं क्रॉक्स लेने के पहले सोचूंगा नहीं गाइस। बट ये काफ़ी मतलब है, डिसेंट सी प्राइस है, बट 2000 रुपये है इसके, बट 2000 रुपये जब
आप स्पेंड करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते होगे गाइस कि वो एकदम सही से चले और अच्छे से चले। तो गाइस ये क्रॉक्स वैसी ही रहेगी आपके साथ हमेशा, और आप क्रॉक्स ले सकते हो गाइस अगर आपका बजट 2000 के आसपास 1500 के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो आप क्रॉक्स ले सकते हैं। इसमें और भी अलग अलग सोल के क्रॉक्स आते हैं जो कि हम उन्हें क्लॉग्स कहते हैं, और वो थोड़े से इससे एक्सपेंसिव है और लेकिन उनकी ग्रिप काफ़ी अलग है, तो शायद हम उसे भी कभी देखेंगे गाइस। और ये पैरों में काफ़ी कंफर्टेबल है गाइस, इनका जो रबर है या फिर ये जो भी मटेरियल है गाइस वो काफ़ी सही है, और ये एक ही मटेरियल से बने हुए हैं पूरा का पूरा, ये एक ही यूनिट है गाइस। इसमें कोई भी ऐसे अलग अलग नहीं है जैसे हमारे सैंडल में स्टिकिंग अलग होती है, ये पूरा एक ही यूनिट है। तो मुझे उसका वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा, और ये काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट है गाइस पैरों के लिए भी और काफ़ी सही है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यार क्रॉक्स ले लो, क्रॉक्स ले लो गाइस, क्रॉक्स।